गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं वो डे बाय डे, हर गवर्नमेंट आज निकल 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में वो प्राइवेटाइज करेंगे, जब जब लॉसेज में जाएंगे वो कुछ ना कुछ रिकवर करने के लिए तो करेंगे, ठीक है। और ये चलता रहता है, हम उसको अवॉइड ज़्यादा दिन नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आगे एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने। काफ़ी समय बाद आया हूँ वीडियो लेकर, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, बट कुछ चीज़ें जो आपको बतानी है बदलते समय के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं। तो ये वीडियो उनके लिए मस्ट है जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपकी आंखें थोड़ी सी खुलेंगी और आपको बहुत कुछ क्लैरिटी समझ में आएगा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग और कहाँ पे अभी इंडिया कहाँ पे है और कहाँ हमें लेकर जा रहा है, ठीक है। ये हमारे और हमारे देश की बात है और हम जैसे स्टूडेंट्स की बात है जो कुछ बनना चाहते हैं इस देश के अंदर, और इस देश की मूवमेंट किधर है, अभी हो क्या रहा है, हमारी मूवमेंट इस तरफ है और हमारे देश की मूवमेंट इस तरफ है, इससे दिक्कत क्या हो रही है, हमारा मेल ही नहीं है, हम इधर जाना चाहते हैं, देश इधर जाना चाहती, तो हमारा कोई सिंकअप नहीं बैठ रहा, कोई लिंक नहीं बैठ रहा। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, साथ में आपको उसका एग्जांपल भी दूंगा, एक अच्छी स्टोरी के साथ एग्जांपल दूंगा आपको मैं। बहुत रिसेंट की बात है, हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था, उनके साथ दो चीज़ें हुई थी एक्चुअली। पहला, उनको एक जॉब ऑफर हुआ है एक बड़े एमएनसी कंपनी में जिसका पैकेज था 32 लाख रुपीज़। दूसरा, उनको इसरो का एग्ज़ाम है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, वो उसने क्रैक किया था। तो उनके साथ ये दो चीज़ें हुई थी और दोनों डिफरेंट जोन की, एक जो आपकी बहुत सिक्योर जॉब है, बहुत एक अलग लेवल की जॉब है, इसरो एक बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री के अंदर, वहाँ पे मिला था जॉब उनको जो उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया था। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक टॉप लेवल का पैकेज क्रैक किया था। तो दोनों में से कौन सा उनको जाना चाहिए था उसके लिए वो कन्फ्यूज थे, और इसके लिए उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग किया था, आपको ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इन स्क्रीनशॉट के अंदर। तो मैंने उनको क्या सजेस्ट किया, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपको एक जो एमएनसी कंपनी का आपका जॉब मिल रहा है आपको उसको चूज़ करना चाहिए, जो आपको 32 लाख का पैकेज दे रहा है आपको उसको चूज़ करना चाहिए ओवर एनी गवर्नमेंट जॉब। ऐसा क्यों कहा मैंने, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता हूँ गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, मैंने क्यों कहा उसको कि आप ये ज्वाइन करो, क्या रीज़न होगा, क्या लगता है आपको? रीज़न बहुत सिंपल है, हमारा जो कंप्लीट अभी वर्ल्ड है ना वो एक अलग ही दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि एक सिक्योर नौकरी की तलाश है दुनिया में सबको, आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है कि एक स्किल सेट पे जो हमें जो मिल रहा है अभी उसको हम ग्रो करें, फिर हमें उस स्किल सेट पे पैसे मिले। कोई नहीं चाहता जीवन भर 1-1.5 लाख रुपये कमा कर मारना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको वो अच्छा लगेगा, सही लगेगा कि आपको एक अर्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप भी रियलाइज़ करोगे कि जब दुनिया करोड़ों में खेल रही है तो मैं क्यों हज़ारों में बैठा हूँ। तो फिर आप भी उड़ना चाहोगे, आप भी फाइट करना चाहोगे, तो वो तब नहीं कर पाओगे अगर किसी जगह स्टक हो चुके हो आप। तो आज के जनरेशन में स्किल सेट के पैसे मिलते हैं, जिसकी स्किल सेट जितनी हैवी उसके पास उतनी सैलरी, सिंपल फार्मूला है आज के जनरेशन में। आपको अपना स्किल सेट अप करना पड़ेगा, तो जब भी आपको ऐसे कोई भी ऑफर आए कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफर हैं, आपके पास प्राइवेट जॉब्स के ऑफर हैं, मैं ये नहीं कहता कि कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है वो मत देखो, आप ये देखो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्किल को अप करेगा, क्योंकि पैसे स्किल सेट के ही मिलने वाले हैं। आपने TCS में काम किया है कि आपने इन्फोसिस में काम किया है कि आपने कॉग्निजेंट में काम किया है कि आपने ONGC में काम किया हुआ या IOCL में काम किया हुआ, नहीं फर्क पड़ेगा, डिपेंड आपके स्किल सेट को अप किसने करा है, आपके थिंकिंग को ब्रॉड किसने करा है, आपका विजन को किसने बड़ा करा है कि आप अब 500 करोड़ की चीज़ें देखने के लायक हो जाओ, आप 5 करोड़ की चीज़ देखने के लायक हो जाओ, आप 1000 के अमाउंट से 1 लाख करोड़ का सोचने लगो, वो कौन सी कंपनी आपको बनाएगी उस लायक, वो पकड़ो। कौन सी कंपनी है अच्छी, कौन सा डोमेन आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, कौन सा चीज़ है जो जिसको पकड़ के आप सोच सकते हो कि उसका फ्यूचर इंडिया के अंदर बहुत बेहतर है या बाहर बहुत बेहतर है, कहीं भी वो चीज़ को पकड़ो और वही चीज़ आपको ग्रोथ देगी आगे जाकर। और आप देखते देखते ही हो, गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं वो डे बाय डे, हर गवर्नमेंट आज न कल 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में वो प्राइवेटाइज करेंगे, जब जब लॉसेज में जाएंगे वो कुछ ना कुछ रिकवर करने के लिए तो करेंगे, ठीक है। और ये चलता रहता है, हम उसको अवॉइड ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, ठीक है। हमें वो फोकस करनी है कि हमें एक ऐसा स्किल सेट गेन करना है जिसकी रिक्वायरमेंट कल को हो,